नमस्कार दोस्तों, हिंदू किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मछली के अंडे की पकौड़ी। तो सबसे पहले हमको चाहिए जो दोस्तों जंगल में हम लोग आ गए हैं, ये जंगल में लकड़ी का व्यवस्था करना होगा और उसके बाद चूल्हा बनाना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा खदान है, यहाँ से हम पत्थर ले आएंगे। ये जंगल का बीचों बीच खदान तो है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पत्थर का व्यवस्था कर लेते हैं। इधर देखते हैं कितना सारा पत्थर है। ये पत्थर मिल गया है, ये पत्थर को हम उठा करके ले लेंगे और इसको हम चूल्हा बनाएंगे। ये पत्थर को हम यहाँ रखेंगे, इसमें चूल्हा बनाएंगे। एक पत्थर और ले लेते हैं, ये पत्थर को भी हम ले जाएंगे। ये पत्थर हम यहाँ लगा देंगे और इस तरीके से हम चूल्हा बना लेंगे एगो। ये देखिए दोस्तों, हमने चूल्हा रेडी कर लिए हैं, चूल्हा मेरा रेडी हो गया है। अब हम लकड़ी का व्यवस्था करते हैं जंगल की ओर जा करके देखते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये झाड़ी सब हम तोड़ेंगे और इसी में हम बनाएंगे आज लकड़ी का व्यवस्था कर लेते हैं। ये लकड़ी हमने तोड़ लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं चूल्हा की ओर। ये देखिए हमने चूल्हा पर आ गए हैं, लकड़ी को तोड़ तोड़ करके हमने इस चूल्हा में दे रहे हैं। चूल्हा हमने जला लिए हैं, ये देखिए चूल्हा जल के रेडी हो गया है। कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, कढ़ाई को बढ़िया से हम गर्म कर लेंगे। मछली के अंडे को हमने बढ़िया से धो लिए हैं, ये वजन में आधा किलो है दोस्तों और इसका आज हम पकौड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, एक चम्मच नमक हमने डाल दिए इसमें। धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच बेसन, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भर के देंगे 2 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसको हम बढ़िया से मिलाएंगे। ये रेडी हो गया है मछली का अंडा, इसको हम तलेंगे। ये देखिए इस तरह करके इतना बड़ा बड़ा छोड़ देंगे हम तेल में। तो चलिए हम तेल भी गर्म हो गया है, देखते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसी में हम सारे पकौड़े को छोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे पकौड़े को इसी में छोड़ेंगे। मछली के अंडे को पकौड़े बनाने के लिए छोड़ दिए हैं कढ़ाई में। अब इतना सा बचा हुआ है दोस्तों, अब इसको दोबारा फिर हम फ्राई करेंगे। एक साइड पकौड़ा मेरा हो गया है, अब एक एक करके हम धीरे धीरे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से पलटना होगा, इस तरह हम सारे पकौड़े को हम पलट देंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से हमने सारे पकौड़े को पलट दिए और इस साइड में भी वैसे ही हम फ्राई करेंगे। दोस्तों ये पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है, कुछ कुछ बाकी है। तो दोस्तों हम बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हम लोग जंगल में आए हैं, जंगल के बीचों बीच में है। यहाँ मोर, तोता, बहुत जानवर भी यहाँ मिलता है। तो हम लोग डर डर से यहाँ आए हैं। इस साइड में बहुत घना जंगल है दोस्तों, इस साइड में कोई नहीं जाता है। तो अगर आप लोग कभी जंगल गए जाइएगा तो थोड़ा सा संभल के जाइएगा। पकौड़ा रेडी हो गया है, अब इसको हम उठा लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए पकौड़ा मेरा बनकर तैयार है, सारे पकौड़े को हम उठा लेते हैं। सारे पकौड़े को हमने उठा लिए हैं, फिर से एक बार तलेंगे हम। ये अंडा को फिर से हम इसे दोबारा छोड़ेंगे इसी तरीके से। सेकेंड बैच भी एक साइड हो गया है, अब इसको धीरे धीरे हम सब पलट देंगे। सारे पकोड़े को हमने पलट दिए हैं और इसको इस साइड में भी हम उसी तरह फ्राई करेंगे सेम प्रोसेस में।
ये हल्के हल्के आँचों में पकोड़ा बहुत ही बेहतरीन बनता है दोस्तों। इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मछली का अंडा का पकौड़ी घर में खाते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर में बना के खाएंगे तो अलग मज़ा लगता है दोस्तों। पकौड़ा बनकर तैयार है दोस्तों, अब हम इसको भी उठा लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े को उठा लेंगे। पकौड़े बनकर रेडी है दोस्तों, अब इसको हम प्लेट में एक निकाल लिए हैं, अब हम इसको टेस्ट करके आपको बताएंगे। मछली के अंडे के पकौड़े को हमने बना करके प्लेट में निकाल लिए हैं, ये घर में गर्म इसमें है ये, और इसको हम देखिए दिखाते हैं आपको अंदर से। ये एकदम सॉलिड बनकर तैयार है, एकदम घर में गर्म खाने में इसको बहुत ही मज़ेदार लगेगा दोस्तों। इसको हम टेस्ट करके बताते हैं आपको। बहुत ही गजब का बना है दोस्तों, इस तरीके से बना के खाइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।